अब यहाँ से हम लोग का सफर, नागपुर का जो सफर है वो करीब 350 का सफर है अभी यहाँ। आज भी हमारा सफर जारी रहेगा, आज भी ट्राई करेंगे 450 किलोमीटर के आसपास चलाने का। दोस्तों अभी पापा गाड़ी चला लिए, थोड़ी देर हम चलाएंगे, करीब 50-60 किलोमीटर और चलना है आगे। और डाइटिंग भी मेरा चालू है, तो हम ये रोटी कम किए हैं, सुबह का जो नाश्ता जो है वो भी हमको बोले हैं कि ये मैंने काफ़ी लेट करने के लिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह के 10 बज रहा है और हम लोग नांदेड़ गुरुद्वारा पे हैं, तो देख सकते हैं पूरा पहने हुए बाबा से जा रहे दर्शन करने के लिए, माथा टेक के ही निकलते हैं यहाँ से। और दोस्तों जब हम यहाँ पर आए ना तो हमको एक चीज़ देखने को मिला, आप लोग भी देखने को, मेरा बहुत सा ब्लॉग बना था, पुराना गाड़ी हम चला रहे थे पहले 80-13, वो गाड़ी देखिए हमको यहीं गुरुद्वारा पर मिला, ये गाड़ी यहाँ पर खड़ा था। तो काफ़ी दिन बाद हमसे, जब से हम छोड़े गए थे ना तब से रोड पे हम कई बार चल रहे थे, लेकिन तब से वो दिखा नहीं था गाड़ी, तो आज पहली बार हमको मिला तो गुरुद्वारा में ही मिला। अब ड्राइवर साहब तो गुरुद्वारा गए हैं, आते तो उनसे ही मुलाकात करवाते, वो मेरा दोस्त ही है चला रहे जो गाड़ी, मेरा दोस्त है वो। दोस्तों अभी गुरुद्वारा से तो आगे हम लोग अब जा रहे हैं नहाने के लिए, बहुत ज्यादा कपड़ा भी हो गया है, नहाना यहीं पे नहाने के मिल जाता है बगल में। दोस्तों नहा धोवा के हम लोग बाबा का माथा भी टेक लिए और यहाँ से निकल भी रहे हम लोग। और इस रोड में क्या जितना भी गाड़ी आता है ना सब माथा टेकने जरूर जाता है यहाँ पे। दोस्तों नहाते वाते समय तो लगी गया, 1.5 घंटा तो लग ही गया हम लोग अभी, और करीब 12 बज गया है। अब यहाँ से हम लोग का सफर, नागपुर का जो सफर है वो करीब 350 का सफर है अभी, यहाँ लगभग 400 हो ही जाएगा, 350 ऊपर है। तो हम लोग तो आज रात में तो पहुँच जाएंगे, सुबह सुबह पहुंच जाएंगे नागपुर वहाँ पे। दोस्तों अभी यहाँ से मेघालय करीब 2200 किलोमीटर यानी 2200 किलोमीटर के आसपास और बचा हुआ है, तो आज भी हमारा सफर जारी रहेगा, आज भी ट्राई करेंगे 450 किलोमीटर के आसपास चलाने का, और उधर ज्यादा टाइम चला गया इसीलिए, और अभी भी हमारा लगता है 4-5 दिन का सफर और अभी है, और घर में अगर रुके तो थोड़ा और बढ़ जाएगा, क्योंकि रास्ते में दोनों घर आ रहा है, रामगढ़ भी आ रहा है और जामतोड़ा भी आ रहा है, तो दोनों में ट्राई करेंगे, एक एक दिन तो कम से कम रुकना पड़ेगा, तो रुकते हुए फिर निकलेंगे, और उधर वापस आने टाइम भी हो सके तो मिल सकता है, रामगढ़ मिल सकता है, जामतोड़ा का तो कन्फर्म नहीं रहता है, रामगढ़ मिल सकता है बस, तो वही अभी देखते हैं, आज ट्राई करेंगे पूरा 500 किलोमीटर तो कम से कम चलाएंगे। अभी यहाँ का रास्ता भी देखिए, अभी पूरा एकदम 4 लाइन ही मिलेगा, पूरा नागपुर तक 4 लाइन है, नागपुर को उधर भी है लेकिन कहीं कहीं काम चल रहा है तो 4 लाइन बना हुआ नहीं है। दोस्तों यहाँ से नागपुर करीब 350 किलोमीटर के आसपास होगा, और जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का बॉर्डर है 600-700 किलोमीटर का होगा यहाँ से, मतलब टोटल पूरा वहाँ से नागपुर से 200 किलोमीटर है, और रास्ता भी यहाँ पूरा क्लियर है अच्छे से, मतलब आप चलते रहेंगे, कहीं रुकना नहीं है, बस खाना खाने के लिए रुकना पड़ेगा। दोस्तों शाम का 4 बज चुका है और हम लोग का सुबह से जो अभी हम लोग का 220-230 किलोमीटर सफर कर चुके हैं, और मेघालय का माल है तो मेघालय से हम लोग का वापसी जो है वो बहुत कम रहता है, या तो गुवाहाटी आओ या तो फिर सिलीगुड़ी आओ, यही सब हम लोग देखना पड़ जाता है, उन्हें वहाँ मेघालय से कोई सा माल मिलता नहीं है, फिर पता करेंगे, अगर मिल गया ट्रांसपोर्ट से कॉन्टेक्ट रखेंगे, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं कि जितना भी कंटेनर गाड़ी जाता है, डाला गाड़ी भी जाता है, तो उन लोग को मतलब कुछ ना कुछ डाला गाड़ी वाला तो स्टार सीमेंट से सीमेंट मिल जाता है, तो हम लोग इसमें सीमेंट भरते नहीं है, हम लोग को तो हल्का माल होना चाहिए, तो हम लोग को या तो गुवाहाटी या फिर सिलीगुड़ी वापस आना पड़ेगा, तो जहाँ माल नहीं मिलता है ना तो वहाँ थोड़ा रेट भी थोड़ा डाउन ही रहता है, और जहाँ माल तेजी रहता है वहाँ भाड़ा भी तेज रहता है, क्योंकि गाड़ी का कमी रहता है, लेकिन वहाँ तो गाड़ी दुनिया भर का रहता है, गुवाहाटी में हो या सिलीगुड़ी में हो, लेकिन माल वैसा नहीं रहता है। उस समय गए थे हम लोग तो बरसात था लगभग, अभी तो बरसात नहीं है, हो सकता है कि माल निकलना चाहिए, या तो गुवाहाटी या सिलीगुड़ी, दो ही ऑप्शन है, मेघालय में वैसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हमको माल का। दोस्तों अब हम लोग घाटी उतरने वाले हैं, तो ये सब आप देखते हैं, ये लाके यहाँ पे छोड़ दिए, तो ये ट्रैक्टर वाले लाते हैं, तो यहाँ पे क्या कि डबल डबल करके लाते हैं, डबल करके लोड होता है, तो एक सिंगल यहाँ लाके छोड़ दिए, फिर वापस गाड़ी लेके गए, फिर वहाँ से लोड करके फिर लाके फिर दोनों को अटैच करके जाएंगे, थोड़ा घाटी है ना इसलिए एक साथ नहीं आ पाता है, तो अभी देखिए हम लोग घाटी उतर रहे हैं, इसके बाद फिर 4 लाइन स्टार्ट होगा। दोस्तों अभी देखिए जैसे ये गाड़ी अभी लेके जा रहा है सिंगल, तो इसमें क्या कि घाटी में ब्रेक नहीं लगता, पीछे वाले टाली में तो ब्रेक रहता नहीं है, वो इंजन के सहारे ही मतलब ब्रेक लगता है, ये देखिए अभी ये सिंगल सिंगल करके लेके जाएंगे नीचे, उसके बाद अभी फिर रख के फिर ऊपर जाके फिर दोबारा लेके आएंगे। यहाँ से भी अभी रोड बनने वाला है, ये देखिए रोड का काम तो चल रहा है, ये कम्प्लीट हो जाएगा तो फिर घाटी खत्म हो जाएगा पूरा। घाटी से दोस्तों अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं, आप देखिए 4 लाइन मिल गया, अब आराम से चलेंगे, थोड़ा खराब रास्ता जितना था खत्म हुआ ना, सारा खत्म हो गया, आराम से अब 4 लाइन में चलते रहेंगे।
दोस्तों अभी आर्नी में आ गए हैं और ग्रीस बना समय नहीं मिल रहा काफी देर से, तो एक बार मनाया था रात में, उसका उसमें मनाया टाइम ही नहीं मिला। यहाँ पर मारता बढ़िया ग्रीस मारता, साफ ग्रीस है दोस्तों, ग्रीस तो मना ले रहे हैं, हालांकि इस बार थोड़ा लेट हो गया, तो कई जगह समय नहीं मिला, कई जगह हम लोग गलत लगता तो नहीं मनाते ग्रीस, जहाँ अच्छा लगता वही मनाते हैं ग्रीस, और हम जब भी मनाते हैं गन से ही मनाते हैं, गन से क्या है कि ठीक रहता है, वो पूरा ग्रीस अंदर में रह जाता है और वो प्रेशर से ना हवा निकल जाता है, सिर्फ हवा ही जाता है उसमें, पुराना ग्रीस को बाहर फेंक देता है वो, तो अपना अपना तसल्ली है जिसको जैसा लगे। हाँ वो भी कराते हैं कब, जब कोई जाम हो गया तभी कराते हैं, तभी तो मेरा कोई जाम नहीं है, सब सब फ्री है ना मेरा, सब पास हो रहा है ना। दोस्तों अभी चाय पी के पापा आ गए और शीशा भी पूरा साफ हो गया, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, थोड़ा बीच में लोग गाड़ी खड़ा कर दिया, अपना गाड़ी अंदर आ गया था ना, तो देख के अब निकालना पड़ेगा। दोस्तों अभी हम लोग सुबह से करीब 275 किलोमीटर चल चुके हैं, तो अभी आरती आ गए हैं, अभी यवतमाल आगे आने वाला है, तो अभी हम लोग चलते ही रहेंगे, 275 किलोमीटर अभी हुआ है, अभी तो पूरा रात बाकी है, अभी देखिए कितना और चल सकते हैं। दोस्तों अभी रात के 8 बज चुका है और हम लोग नागपुर के पास लगभग पहुंच गए हैं, नागपुर यहाँ से ज्यादा नहीं 60-70 किलोमीटर और बचा हुआ है, तो हम लोग कहीं रुकना पड़ेगा इसलिए कि नागपुर का पहले के सुबह तेल लेना है नागपुर में, तो सेठ जी बोले कि सुबह हम पैसा डाल देंगे तो तेल वहाँ से महाराष्ट्र में सस्ता पड़ता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ झारखंड बिहार सब में महंगा ही तेल है, थोड़ा सा बंगाल में सस्ता पड़ता है, फिर तो बोले कि एक बार और फुल करा लेना महाराष्ट्र में। दोस्तों कहीं रुकेंगे हम लोग, फिर सुबह अपना तेल डला के महाराष्ट्र में फुल करा के फिर छत्तीसगढ़ निकल जाएंगे। दोस्तों अभी पापा गाड़ी चला लिए, थोड़ी देर हम चलाएंगे, करीब 50-60 किलोमीटर और चलना है आगे। दोस्तों रात के 11 बज चुका है, गाड़ी हम खड़ा कर दी होटल पे, होटल देख सकते बहुत शानदार है, पूरा गाड़ी सब पार्किंग लगा हुआ है, अब आते हैं खाना खा के सुबह तेल लेके निकलना हम लोग को, तब तक सुबह से पैसा भी डाल देगा, बाहर ही बैठ रहे दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों ये जो एरिया है, अभी जब से हम नागपुर पहुंचे हैं तब से ठंडापन आ गया इधर, अब यहाँ से ठंडा स्टार्ट हो जाता है, और छत्तीसगढ़ जाएंगे तो हो सकता है और ज़्यादा हो, और झारखंड में तो बहुत ही ज़्यादा है, झारखंड बंगाल उधर उड़ीसा उधर गुवाहाटी में मेघालय में ये सब ठंडा बहुत ज़्यादा है, मतलब यहीं से ठंडापन हमको स्टार्ट हो गया, तो हम तो बैग अपना जो कोट वगैरह था अंदर डाल दिए, निकाले नहीं थे, तो अब जाके निकालेंगे, कहीं हो सकता है कि सुबह हमको ठंडा लगे, सुबह पहन के ही चलाना पड़ेगा गाड़ी। दाल तड़का मिक्स वेज है, पालक पनीर है, मटर पनीर है। दोस्तों मेरा खाना आ चुका है, देख सकते हैं आलू गोभी तो मेरा खैर फेवरेट है, वही सूखा टाइप का मंगाते हैं, और डाइटिंग भी मेरा चालू है, तो हम भी धीरे रोटी कम किए हैं, और दूसरी बात क्या कि सुबह का जो नाश्ता जो है वो भी हमको बोले हैं कि ये मैंने काफ़ी लेट करने के लिए, उसी हिसाब से डाइटिंग जो करते हैं सब बताए हमको, तो हम भी कर रहे हैं उसी टाइप का, रोटी अभी कम हो रही होगी रात में, दोपहर में तेज़ी रहेगा, दोपहर में खा सकते हैं जितना मर्जी, तो यही अभी देख सकते हैं यहाँ ढाबा पाया बहुत शानदार ढाबा है, जिस ढाबा पाए हुए अभी हम लोग खाने के लिए। दोस्तों डाइटिंग मेरा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बताएं कि एक बैग कम नहीं करना है, धीरे धीरे रोटी मतलब घटाना है, और एक बैग कम भी करना ठीक बात नहीं है, वो बोले कि उससे असर हो जाता है, तो धीरे धीरे रोटी कम करना है। दोस्तों खाना तो हो गया, अभी हम लोग क्या है कि खाना खाना में थोड़ा टहलने के लिए बोला गया है कि थोड़ा खाना खा के, अभी उतना ठंडा नहीं लग रहा है यहाँ पर, यहाँ के बाद चले तो ठंडा लगेगा हमको, लेकिन अभी जा रहे टहलने के लिए, टहल के ही सोएंगे रात में, और उसके बाद फिर सुबह उठ के चलेंगे यहाँ से, फिर भी कितने बजे भी होगा तो सुबह सेठ जी अगर पैसा डालेंगे तो 8-9 बजे डालेंगे ना, तो नागपुर जाते तो समय हो ही जाएगा उतना, ठीक है उसको जा रहे टहलने के लिए, उसको डायरेक्ट जाकर सो जाएंगे फिर। दोस्तों सुबह सुबह गाड़ी लेके निकल गए हैं, अब लोग नागपुर पार करने वाले हैं, देख सकते थे ठंडा कितना ज़्यादा है, हम लोग भी अपना जैकेट वगैरह डाल लिए हैं, और मौसम देख के ही लगता होगा इधर जब ठंडा है, इधर बहुत दिन बाद पहने इसको हम लोग। दोस्तों अभी डीजल लेना बाकी है, क्या कि जब तक हम नागपुर पहुँचेंगे तब सेठ जी भी अपना उड़ जाएंगे, अपना पैसे डाल देंगे तो डीजल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। दोस्तों अभी हम लोग पंप पे आ चुके हैं, अब यहाँ पे पूरा अपना टंकी फुल हो जाएगा, उसके बाद फिर आराम से चलेंगे, आप सीधा जाके फिर सिल्लीगुड़ी में तेल भरवाएंगे, उधर भी बंगाल में थोड़ा सस्ता मिलता है तेल। दोस्तों देख सकते हैं महाराष्ट्र का रेट 73 पैसा, तो यहाँ ले लेते हैं फिर, क्योंकि छत्तीसगढ़ महंगा है, फिर झारखंड महंगा है, बंगाल में ही जाकर सस्ता मिलेगा।
दोस्तों डीजल लेके निकल गए हैं और अभी हम लोग कैलकुलेशन लगा रहे थे, पूरा किलोमीटर पूरा लिख के रखे थे, तो हमको क्या है ना कि एवरेज थोड़ा सा कम मिला। अब मिलने का कारण क्या है, गोवा से बेलगांव तक जो है करीब चढ़ाई चढ़ाई मिला, रास्ता भी खराब मिला और करीब 150 किलोमीटर का सफर वो था, उसके लेकर डीजल थोड़ा सा ज़्यादा खाया। अब 5 टन तो माल है गाड़ी में, उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चढ़ाई और रास्ता खराब के कारण उसमें एवरेज मेरा थोड़ा गड़बड़ हो गया, 5 के आसपास एवरेज दिया हमको। अभी ये रोड अगर मिलता है, ये रोड अभी चल रहे हैं तो अब तो इधर घाटी वगैरह नहीं है, खराब रोड भी नहीं है, तो अब अगर फुल होता है तो उम्मीद कम है फुल होने का, क्योंकि मेघालय में डीजल सस्ता है, प्लानिंग मेरा वहाँ है फुल करने का, फिर भी निकल जाएगा कैलकुलेशन, क्योंकि थोड़ा बहुत लेंगे बंगाल में तो फिर अपना मेघालय पहुँच जाएंगे, फिर मेघालय में फुल करेंगे, फिर देखते हैं क्या एवरेज देता है, मतलब 5.5 यही एवरेज मेरा गाड़ी दे रहा है अभी गाड़ी। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा रुके थे बरस वगैरह करने के लिए और ये देखिए पानी भी गर्म कर लिए है और पापा अपना हनी डाल के अभी पीने वाले हैं। दोस्तों हम लोग तो कल तो हम लोग काफ़ी अच्छा सफ़र काटे थे, 400 करीब 70-80 किलोमीटर चले गए थे और सुबह से अभी भी हम लोग वहाँ सुबह उठ के चले हैं, नागपुर वगैरह पार कर भंडार रोड पे है, तो 80-90 किलोमीटर सफ़र हम लोग कर चुके हैं अभी तक, और हमारा टारगेट तो खैर रायपुर में है, तो रायपुर यहाँ से करीब 300 किलोमीटर पड़ता है, तो हम लोग रायपुर पहुँचने वाले हैं कल दिन में, जो अपना सेठ से मिलना भी है और भी जो करना है कर लेंगे हम लोग वहाँ पर, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे दोस्तों। तो आज मेरा सफ़र रहेगा कि रात में लोग रायपुर पहुँच जाएंगे। और दोस्तों हमारा अभी गोवा से लेकर यहाँ तक का 1050 किलोमीटर अभी तक चल चुके हैं हम लोग, गोवा से नागपुर तक का अभी हम लोग निकाला था जो एवरेज, उसी में देखे किलोमीटर हमारा। दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि हम लोग रायपुर से हम लोग कब निकल रहे हैं और छत्तीसगढ़ का भी सफ़र हमारा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।